हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। जो हमें ये फॉलोइंग प्रॉब्लम्स नीचे दी गई हैं फर्स्ट टू लेके थर्ड पार्ट तक, इसको आप डिस्कस करते हुए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, पेयर बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को ही समझना होगा। लेकिन थोड़ी सी जो इसमें सिचुएशन है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब रितु डाउन स्ट्रीम अगर जाती है तो 20 किलोमीटर्स कितने में कर सकती है वो 2 आवर्स के अंदर, और अपस्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम की बात करें 4 किलोमीटर तो कितने टाइम में कर सकती है वो टू आवर्स में, 2 घंटे में। तो हमें स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, जब पानी की कोई स्पीड नहीं है, स्टिल वाटर पानी वहीं पे ठहरा हुआ है, उसके अंदर उसकी स्पीड नाव चलाने की, जो बोट चलाने की वो निकालनी है, एंड द स्पीड ऑफ करंट मतलब जो पानी का बहाव है, पानी की जो स्पीड है उसका भी, स्पीड ऑफ द करंट मतलब हमें वो भी फाइंड करके दिखानी है। तो दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों समझ में आनी चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर जैसा कि अगर आप पानी में इस डायरेक्शन में जा रहे हो और पानी की जो स्पीड का जो बहाव है वो भी अगर इसी डायरेक्शन में है, तो यानी कि आप दोनों क्या हो जाते हो, आपकी स्पीड में क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। क्योंकि पानी की जो स्पीड है आप उसके साथ साथ अगर चलते हो तो क्या होता है, जो पानी की स्पीड होती है आपकी स्पीड, जो आपकी नाव चलाने की स्पीड है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इसे तो स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम। इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, ये तो हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में क्या होता है, जैसे ये तो मान लीजिए आपकी सेम डायरेक्शन थी, जो करंट यानी कि स्पीड ऑफ द करंट, जो पानी का बहाव होता है उसकी भी अगर स्पीड और आपकी जो बोट चलाने की स्पीड की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है, मान लीजिए अगर आपकी स्पीड इस तरफ से, दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए, वो सिचुएशन किस तरह की होगी, मतलब आप पानी में इस तरफ जा रहे हो, ये आपकी स्पीड है, और जो पानी का यानी कि स्पीड ऑफ द करंट, करंट की जो स्पीड आपसे रिवर्स है, तो क्या होगा, वो आपको पीछे की तरफ धकेलेगी, मतलब आपकी स्पीड क्या होगा, किसी तरह रिड्यूस हो जाएगी, पानी की स्पीड की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें रिडक्शन आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपकी स्पीड कितनी है, एक्स है, और जो स्पीड ऑफ द करंट अगर आप लेके चलते हो वाई, तो यानी कि आपकी स्पीड में से क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा आपका अपस्ट्रीम, जो आपकी स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई, मतलब एक्चुअल स्पीड में से जो आपकी स्पीड कम होगी पानी की वजह से, करंट की वजह से, फ्लो की वजह से, वो क्या हो जाएगी फिर आपकी अपस्ट्रीम के लिए स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। और अगर मान लीजिए आपका था, दोनों अगर सेम डायरेक्शन थी आपकी भी और पानी के बहाव की भी, तो वहाँ पे अगर आपकी स्पीड है एक्स, यानी कि जो आपकी बोट है उसकी स्पीड अगर एक्स है और करंट की स्पीड अगर वाई है, तो इस सिचुएशन में क्या होता था, आपकी डाउन स्ट्रीम के लिए आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई होगी। तो मुझे लगता है इस डिस्कशन के बाद आपको अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके टेस्ट में और आपके एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये भी है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला। एग्जाम में सिर्फ क्या होगा, आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दी गई होगी, डिजिट्स चेंज होंगे, अदरवाइज आप जब ये टॉपिक समझ जाएंगे तो आपसे वो क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम, यानी कि वो जा सकती है डाउनस्ट्रीम, यानी कि 20 किलोमीटर अगर डिस्टेंस वो कवर करती है डाउनस्ट्रीम, तो वो कितना हो जाता है आपका, 2 घंटे के अंदर वो कर पाती है। और अपस्ट्रीम की अगर बात होती है, अगर उसकी बोट यानी कि जब स्पीड क्या है आपसे रिवर्स चल रही है, पानी की जो स्पीड है, करंट की स्पीड है, तो उस केस में आप 4 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर पाते हो, 2 आवर्स में। तो हमें स्टिल वाटर में जो है उसकी स्पीड निकालनी है, उसके बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, और जो पानी का बहाव है, स्पीड ऑफ करंट भी आपको फाइंड करनी है, पानी के बहाव की जो स्पीड है। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर। अगर आपकी जो रितु की अगर हम स्पीड लेके चलते हैं नाव चलाने की, बोट को चलाने की, उस स्टिल वाटर के अंदर जब पानी का कोई बहाव नहीं है, पानी बिल्कुल स्टैंड वहीं खड़ा हुआ है, तो एक्स किलोमीटर पर आर है। और स्पीड ऑफ करंट जो पानी का बहाव है उसकी भी अगर हम स्पीड लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ हम लेके यहाँ पे चलेंगे क्योंकि हमें नहीं दी हुई है, वो हमने ले लिया वाई किलोमीटर पर आर। तो स्टूडेंट अब हमें क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन डिस्टेंस होता किसके इक्वल है, स्पीड इनटू में टाइम के। तो अब आपको डिस्टेंस कितना दिया गया है, जब आप किस में जाते हो डाउन स्ट्रीम जाते हो, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर और स्पीड आपकी उस केस में स्टूडेंट कितनी हो जाती है, अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि डाउन स्ट्रीम के लिए आपकी स्पीड क्या हो जाती है, जितनी की आपकी स्पीड स्टिल वाटर के अंदर बोट चलाने की है, और प्लस क्या हो जाता है, करंट भी क्या करता है आपकी स्पीड को थोड़ा मतलब बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो
तो ये हो जाता है आपका प्लस वाई, ये आपकी टोटल स्पीड हो जाती है उस केस में। और टाइम स्टूडेंट आपको कितना लगता है यहाँ पे, 2 आवर्स का लगता है। तो एक इक्वेशन तो आप यहाँ से सोल्व करके बनाएंगे, तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिए। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट किस तरह से लिखेंगे, ये अगर 2 इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाता है स्टूडेंट, ये 10। और आपकी राइट साइड कितनी बचती है यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो x प्लस वाई किसके इक्वल बच जाएगा आपका, 10 के इक्वल बचेगा। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से 20 आपका लेफ्ट साइड में था। अगर इसे भी मैं लेफ्ट साइड में अगर इसको ट्रांसफर करती हूँ, तो क्योंकि मल्टीप्लाई में ही नीचे जाके 20 के नीचे 2 डिवाइड में जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो चाहे इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 10। ये स्टूडेंट हो जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि सबसे पहले आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो अब आप सेकंड की बात करते हो, तो हमने यहाँ लिखा कि स्पीड ऑफ फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम, ये हम लिख चुके हैं कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। और अपस्ट्रीम के लिए स्टूडेंट कितनी हो जाती है आपकी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ये मैंने काफ़ी पहले इसको डिस्कस कर दिया था, इसे भी आप अपनी रफ नोटबुक में रिटर्न कर सकते हैं। ये मैंने पहले इसको पूरा इसको बता दिया। तो स्टूडेंट ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तो कितना आ जाता है आपका 10। ये हो जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें निकालनी है सेकंड इक्वेशन। तो सेम वही आपने किया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। सेकंड में आपका डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 4 किलोमीटर का। और आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि अब आप क्या जा रहे थे, अपस्ट्रीम जा रहे थे। ये आप अपने क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, जो आपकी सेकंड सिचुएशन आपके लिए क्या दे रखा है, अपस्ट्रीम दे रखा है। तो इस बार आपकी स्पीड कौन सी यूज़ होगी, जो आपको एक्स माइनस वाई थी, इस केस में क्या था, तो आपका रिडक्शन हो रहा था। और टाइम कितना है आपका, टाइम कितना दे रखा था यहाँ पे, टाइम आपका 2 आवर्स ही है। सेम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो ये सिचुएशन स्टूडेंट कितनी हो जाती है आपका, यह आ जाता है 4, और 2 अगर मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में 2y। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 यहाँ से अगर आप कॉमन निकाल लेते डायरेक्ट ही, तो कितना होता है यहाँ से 2, और ये आपका बचता एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से आ जाता 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी बचती है आपकी, 2 के इक्वल बचती। तो इसको आप अगर ठीक से करके लिखते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो आपकी 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, फ्री हैं आप यह मेथड यूज़ करने के लिए। तो आपकी इक्वेशंस आई थी स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब आपको x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल जो आई थी। 2 इक्वेशन आ गई। अब चाहें तो आप इस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, इसमें आप फ्री हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफिक मेथड कोई भी नहीं दिया गया है, सिर्फ सोल्व करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं, तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स काफ़ी स्मॉलर हैं आपके लिए, इसको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना काफ़ी आसान है। लेकिन आप किसी भी मेथड से करेंगे, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे नेगेटिव का वाई है, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट्स पहले से ही क्या हैं, रिवर्स अपोजिट साइन के साथ हैं, तो एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों ही जो आपके इक्वेशंस के अंदर अपोजिट साइन से वाई के कोफिशिएंट्स हैं, तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और राइट साइड में आपका कितना हो जाएगा ऐड होके 12। अगर मान लीजिए सेम साइन के होते, तो हमें इस केस में यहाँ क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट, ताकि अपोजिट साइन हो आपका, जो एलिमिनेट एक वेरिएबल एलिमिनेट आसानी से हो जाए। तो स्टूडेंट ये आपका कितना बच जाता है यहाँ से 6, एक्स की वैल्यू जो 6 बची है, या तो आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, या फिर इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करें, आपका आंसर वाई का बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 10, और वाई की वैल्यू 10 माइनस 6 कितनी हो जाएगी आपकी 4। तो स्टूडेंट हमें क्या क्या फाइंड करना था, हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया था स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स, तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट आपकी कितनी आई 6, और द स्पीड ऑफ करंट भी, जो आपकी पानी की जो स्पीड है उसकी, जो पानी की जो स्पीड है, यानी कि जो करंट पानी की जो स्पीड है, वो कितनी आ जाती है आपकी 4 किलोमीटर पर आर। स्पीड ऑफ करंट का मतलब है जो पानी का भाव होता है उसकी भी हमें स्पीड को निकाल के कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना था, जो कि हमने वाई किलोमीटर पर आर ली थी, ये आ जाता है आपका 4 किलोमीटर पर आर। तो स्टूडेंट आप चाहें तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपकी दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। अगर आप यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करेंगे, तो अगर आपका राइट साइड के इक्वल आता है, इसका मतलब आपने अपना आंसर्स करेक्ट निकाले हैं, अदरवाइज आपने कोई मिस्टेक करी है। और वेरिफिकेशन अगर पेपर में बोला जाता है, तो आप फेयरली करेंगे, अदरवाइज आप इसे रफली इसलिए करके देखते हैं अपने आंसर की करेक्शन के लिए। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे और y की 4 करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपका कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10,
और इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 करेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही वेरीफाई होती हैं, आपने जो अपना आंसर निकाला वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपकी ज़्यादा कोई नई कैलकुलेशन या कुछ नया नहीं था, बस आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे डिस्कशन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसे और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।